let the sun shine in today. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर मैं कहूं कि स्पेस को सेव करने से बेटर है स्पेस को माइंडफुली यूटिलाइज करना तो गलत नहीं होगा। आजकल के बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट में हम एक बड़ा घर खरीदने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुश्किल ही लगता है और हर एक की पहुंच में भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है दैट स्पेस वी आर ऑलरेडी हैविंग, वी शुड यूटिलाइज इट मोर प्रैक्टिकली एंड फंक्शनली। और जब भी हम बजट फ्रेंडली आइडियाज़ की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ ही या जो स्पेस अवेलेबल है बिना किसी ऑर्गेनाइजर को खरीदे हम अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएं। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही मेरे पर्सनल आइडिया शेयर कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट नो कॉस्ट आइडिया तो हैं ही, साथ ही रेंटल फ्रेंडली भी हैं। एंड आई रियली होप कि आपको अपने घर के लिए कुछ यूजफुल ट्रिक्स ज़रूर मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आप इसी तरह के आइडियाज़ देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अक्सर हमने देखा है हर किसी के घर में इस तरह के बॉक्सेस मिल ही जाते हैं। कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके साथ इस तरह के बॉक्सेस आ जाते हैं और उनमें से कुछ बॉक्सेस इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि आपको उनको ना तो रैप करने की ज़रूरत होती है ना कोई भी कवर लगाने की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेटर ऑप्शन होता है जो कोई भी पैसे खर्च किए बगैर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी तरह के हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर हैं जिनको यहाँ वहाँ मुझे रखना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी खर्च होता है और मुझे उनको ढूंढना भी पड़ता है कि कौन सा मेरा हेयर एसेसरी कहाँ रखा है। तो इस तरह के बॉक्सेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपकी पॉकेट पर भी हैवी नहीं होते हैं, प्लस आपकी चीज़ों को भी बड़े संभाल के और अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। हम सबके घर में इस तरह के ब्लैंकेट कवर मिल ही जाते हैं जो कि हम विंटर के कपड़ों के साथ साथ समर के कपड़े भी रखने के लिए यूज़ करते हैं। मैं इस तरह की चीज़ों को कभी भी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा संभाल कर रखती हूँ क्योंकि घर में इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़फुल साबित होती हैं। और क्योंकि इस तरह के कवर मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आपको सारी ही चीज़ें विजिबल रहती हैं, आप देख सकते हैं किस बैग में आपने क्या सामान रखा है। मेरी बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पर नहीं पहनती हूँ, थोड़ी सी हैवी हैं या तो हैवी वर्क वाली हैं। अगर उनको बाहर रखा जाता है तो टाइम टू टाइम देखिए उनकी कंडीशन इस तरह से वर्स्ट हो जाती है। ये बहुत महंगी मैंने लेस लगवाई थी बट इसकी कंडीशन इस तरह से रखे रहने पर ख़राब हो चुकी है। तो इसी तरह के कपड़ों को मैंने संभाल के रखने के लिए ये बैग यूटिलाइज करने की सोचा है। अगर आपके पास प्रॉपर एक वार्डरोब नहीं है तो इस तरह के बैग्स आपके लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि हमारे कपड़े धूल मिट्टी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ओपन स्पेस में जब आप चीज़ों को रखते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। मैं इसलिए जानती हूँ कि जब मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की थी तो मेरे पास भी एक इस तरह की अलमीरा थी जिस पर मैं पर्दा लगा कर रखती थी और उसकी वजह से मेरी बहुत सारी ड्रेसेस की कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो इस तरह के आइडियाज़ उस वक्त मेरे पास नहीं थे एंड आई होप कोई भी अगर न्यूली मैरिड अपनी गृहस्थी शुरू कर रही है या किसी को इस तरह के आइडियाज़ की ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प इन सब चीज़ों से ज़रूर हो पाए।
तो ये देखिए बहुत ही कम स्पेस में हमने अपना सारा सामान रख लिया है, बड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड भी है, नीट एंड क्लीन लुक भी आ रहा है और आपकी सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी कंडीशन में रहेंगी। और अब हो चुका है मेरा टी ब्रेक टाइम। तो ये मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी तो मैंने सोचा इसको ऐड करती हूँ क्योंकि देखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छी और सेटिस्फाइंग लग रही थी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये मैंने इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था पुराने कपड़े से और पोलोथीन से, और साथ ही में एक रिबन लगाया था। बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है ये। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको यहाँ वहाँ रखने में दिक्कत होती है तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। बस मैंने एक हैंगर के ऊपर इसको लगा दिया था। इसको निकाल कर ईजिली वॉश भी किया जा सकता है। यहाँ पर मैं रख रही हूँ मेरी सारी ही आर्ट सप्लाई, ग्लू गन स्टिक और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये सब सामने विजिबल भी रहेंगी और उनको उनका प्लेस भी मिल गया है, ड्रॉर में इधर उधर फैलेंगे भी नहीं। कई बार बहुत छोटे से स्मार्ट आइडिया हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा ऑर्गेनाइज़र खरीदने पर भी हमें हेल्प नहीं मिल पाती है। अगर आपको इस ऑर्गेनाइज़र का DIY वीडियो का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है और घर में ही रखी चीज़ों से आप आसानी से बना सकते हैं। आप इसको दरवाजे के पीछे लगाएं या अपनी अलमारी में हैंग करें और आपका स्पेस बहुत हद तक सेव हो जाता है। एंड द नेक्स्ट माई फेवरेट इज़ दिस स्मॉल पाउचेज, जो हमें बहुत सारी ड्रेसेस के साथ, दुपट्टों के साथ या तो बेडशीट के साथ मिलते हैं। अभी हाल ही में जो मैंने बेडशीट खरीदी थी उसमें मुझे इस तरह के पाउचेज मिले हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे। आप इस तरह के साड़ी कवर या मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो इनको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने सारे ही बैग्स रखने के लिए। बहुत सारे हमारे कॉस्टली बैग्स ऐसे होते हैं जिनका जो लेदर होता है बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। अगर आप ओपन में रखते हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर इस तरह के पाउचेस को आप इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं तो उनकी केयर भी हो जाती है और बड़ी अच्छी कंडीशन में आप उनको संभाल कर रख सकते हैं। तो अब अगर आगे से आपके पास भी इस तरह के पाउचेज आते हैं तो उनको फेंकने की बजाय आप संभाल कर रख सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में आपको नहीं पता वो आपके लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकते हैं। और इसी तरह के अलग अलग तरीके के सामान को रखने के लिए जो पीछे छोटा सा स्पेस बचा है, यहाँ पर रखा है मैंने मेरा प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र। आप इस तरह के नैरो स्पेस को इस तरह के ऑर्गेनाइज़र की मदद से बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पीछे वाला स्पेस बेकार ही चला जाता है और यहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखा जाता है। इवन जो इसके ऊपर वाली शेल्फ है वहाँ पर भी काफ़ी स्पेस बचता है, आप वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में अभी तक समर वेकेशन चल रही हैं, बच्चे सारा टाइम घर पर रहते हैं, या तो कोई अपना वो पर्सनल चॉइस का काम करते रहते हैं या तो स्कूल का वर्क करते रहते हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट वर्क चलता है या तो कभी फिर उनके गेम्स चलते हैं और उसकी वजह से घर में इस तरह से सामान फैला रहता है जिससे विजुअल क्लटर दिखाई देता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह की फोल्डेबल बास्केट जिनको जब ज़रूरत ना हो तो आप इजीली फोल्ड करके रख सकते हैं। ये देखिए कोई भी जगह नहीं लेती हैं और जब आपको ज़रूरत है तो आप इसको इजीली बना भी सकते हैं। तो मैंने बच्चों को ये बास्केट दे दी है, जितना भी उनका फाइल्स हैं, जितनी भी आर्ट सप्लाईज़ हैं या किसी भी तरह की चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाल के रख सकते हैं जब उनका सारा काम हो जाता है दिन में, और फिर नेक्स्ट डे उनको यहीं से वो सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं।
हालांकि ये क्लोथ ऑर्गेनाइजर बास्केट है, लेकिन आप अपने घर में इसी तरह से मल्टीपल वे में चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने घर को ऑर्गेनाइज रख पाते हैं और विजुअल क्लटर बहुत ही कम दिखाई देता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है आपको अपना घर। एंड आई एम श्योर कि जिसके भी घर में स्कूल गोइंग किड्स हैं तो उनके घर में इस तरह के बोर्ड्स ज़रूर मिल जाएंगे, या तो छोटे या तो बड़े। और इनको रखना, इनको इस तरह से रखना कि ये ज़्यादा विजिबल ना हो, अपने आप में ये टास्क है। तो ये जो बेड के पीछे का थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर मैं ये चीज़ें रखती हूँ जिससे कि ये दिखाई भी नहीं देती हैं और जब बच्चों को ज़रूरत होती है तो वो इजीली निकाल भी लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब सामने रखी दिखती हैं तो हमें लगता है कि रूम पूरा भरा भरा है, कोई भी खाली स्पेस नहीं है। बट इस तरह के नैरो स्पेसेस में आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से हाइड करके रख सकते हैं। और ये है कंडीशन मेरी साइड टेबल की, जिसमें मैंने एक बास्केट रखी थी मेरी सारी नेसेसरी चीज़ों को रखने के लिए, बट ऑलरेडी ये ओवर क्राउडेड हो चुकी है, क्योंकि जितना भी मेरा ज़रूरत का सामान है मैं यहाँ पर रखती हूँ, जो भी मेरी डायरी है, मेरे ग्लासेस हैं, माइक है, एयरपोर्ट है, छोटी छोटी कितनी ही सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें लगता है कि हमें सारा ही टाइम ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस मैंने क्रिएट करने की सोची है, बट मैं कोई भी प्लास्टिक बास्केट नहीं रख रही हूँ, यहाँ के लिए मैं बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। जब भी आपको ओपन स्पेस में कोई सामान रखना हो तो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बहुत ही अच्छी तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाए जा सकते हैं। और मेरे पास जो भी पीसेस बचे थे वॉलपेपर के, उन सबको मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ। सबसे आसान तरीका लगता है मुझे ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का। अगर आप किचन में इनको नहीं रखना चाह रहे हैं बट इस तरह के ओपन स्पेस में, अपनी वार्डरोब में, ये वाले ऑर्गेनाइज़र बेस्ट साबित होते हैं। तो मैंने सारी ही साइड की एजेस कट कर दी हैं जिनको हम बाद में यूटिलाइज भी करेंगे, और पूरा प्रॉपरली मेजर करके मैंने वॉलपेपर को कट कर लिया है। यहाँ पर मैं एक पैटर्न बनाने की सोच रही थी जिससे विजुअली इसका लुक काफी अच्छा लगे। ऑलरेडी ये मार्केट से परचेज किए हुए ऑर्गेनाइजर जैसा लगेगा, ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था इसका। और तैयार है हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर। इसमें आप मल्टीपल तरह से चीजें रख के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और देखने में भी इस तरह के ऑर्गेनाइजर पूरे नहीं लगते हैं। इसकी बजाय अगर आप कोई प्लास्टिक बास्केट खरीदते हैं या तो कोई जूट की बास्केट खरीदते हैं जो आपकी पॉकेट पर काफ़ी हैवी रहती है, तो अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं आप इनको फेंक सकते हैं, फिर से नए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी मेरी डायरीज थी जिसमें मैं यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सारा ही चीज़ों को प्लान करके रखती हूँ और जो भी मेरी बुक्स मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर मैंने रखती हैं, और अब सारी ही चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और ये है आज के वीडियो की पहली चीज़ जो मैंने खरीदी है। इससे पहले के सारे ही आइडिया हमारे नो कॉस्ट आइडिया थे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी स्मार्टली चीज़ों पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो प्रॉपरली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले और जिससे आप अपने स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ड्रॉअर में डिफरेंट तरह की केबल हैं, कोई किसी चार्जर की है तो कोई किसी गैजेट की है। इन सबको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली भी आती हैं और अगर ध्यान से ना रखा जाए तो ख़राब भी हो जाती हैं। तो इन सब के लिए मैंने बाय किया है मल्टीपल बॉक्सेस वाला ये ऑर्गेनाइज़र, जिसमें सारी ही वायर्स अच्छी तरह से रैप करके रखी जा सकती हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, बजाय कि इनको टाई करने के मैं इस तरह से इनको रोल करके इसमें एक इंसर्ट डाल के रख दूँगी जिससे कि ये निकलेंगी नहीं और बड़े अच्छे तरीके से इंटैक्ट रहेंगी। Thank you.
जब आप इस तरह से चीज़ों को स्मार्टली यूज़ करना सीख जाते हैं तो किसी भी तरह का क्लटर आपके घर में दिखाई नहीं देता है और आप बड़े अच्छे तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। With you and I, the future is bright.